एक अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरीदाबाद के पिथला विधानसभा क्षेत्र स्थित गतपुरी टोल प्लाजा के पास एक रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। रैली की तैयारियों को लेकर पिथला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंडित टेकचंद शर्मा ने अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और मीटिंग में सभी की जिम्मेदारियाँ लगाईं ताकि रैली में कोई भी अव्यवस्था ना हो। इसी को लेकर हमारी टीम ने पंडित टेकचंद शर्मा से बातचीत की और जाना कि आज उनकी क्या क्या ड्यूटियां लगाई गई हैं। वहीं कार्यकर्ताओं से भी हमने बातचीत की और कार्यकर्ताओं से जाना कि वह पंडित टेकचंद शर्मा के साथ चुनाव प्रचार के दौरान पिथला विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जा रहे हैं, तो वहां पर लोगों का क्या माहौल है और इस बार किस तरह से जो है जीत होने वाली है। चलिए सबसे पहले जानते हैं पंडित टेकचंद शर्मा से कि आखिरकार रैलियों की जो तैयारियों को लेकर क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं कार्यकर्ताओं को, वहीं लोगों से भी जानते हैं यानी कि जो गांव के लोग हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे भी जानते हैं कि पिथला विधानसभा क्षेत्र का क्या मूड है। देखिए ये कोई नई बात नहीं है, मेरा ये तीसरा इलेक्शन है और ये गाँव 102 मेरे को ऐसा लगता है जैसे 102 गज में आते हैं। मेरा पारिवारिक संबंध है, मेरा तो 10 मिनट में दूसरे गांव में, 15 मिनट में तीसरे गांव में ऐसे प्रचार चलता है और सब भाई में एक फोन पे ही सारे आवाज हो जाते हैं। आज आपने देखा होगा हमने अभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी, लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता जिसमें 500-700 कार्यकर्ता आपके सामने थे। हमारे माननीय एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहली तारीख को हमारे यहाँ गतपुरी टोल प्लाजा पे आ रहे हैं, उसके बारे में हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दी कि भाई कितनी कितनी बस, अब उन्होंने मेरे मैं कह रहा था कि उस दिन हम पे बस इतनी अवेलेबल नहीं होंगी, तो कहने लगे 200 बस कम से कम हमें चाहिए और कम से कम 2000 गाड़ियां लेकर के वो अपनी आएंगे। मैं उसी तैयारी में जुटा हुआ हूँ, लगभग लगभग 20-25 हजार आदमी हमारे पिथला विधानसभा क्षेत्र का उस दिन आए। क्या लगता है ऐतिहासिक होगी रैली? निश्चित तौर पे ये ऐतिहासिक भी होगी और हरियाणा की सबसे अब तक की सबसे बड़ी रैली कहलाएगी। विधायक जी मोदी जी जिस रैली में आते हैं वहाँ समीकरण चेंज हो जाते हैं एकदम, क्या समीकरण बनता दिख रहा है? समीकरण यही बन रहे हैं कि 9 की 9 सीटें यहाँ फरीदाबाद से भाजपा की झोली में जानी है। मैं बता रहा हूँ कि आज उनका कंपटीशन आपस में जो 3-4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं कि उनका कंपटीशन ये नहीं है कि चुनाव जीतना है, उनका कंपटीशन ये है कि सेकंड नंबर पे आना है। पहले नंबर को नहीं सोचते, वो सिर्फ सेकंड नंबर की बात करते हैं और उनमें सेकंड नंबर में पता नहीं कौन आएगा, मेरे को उससे फर्क भी नहीं पड़ता। फर्स्ट आप रहेंगे निश्चित तौर पर, यहाँ मैं थोड़ी रहूंगा, मेरी जनता रहेगी। कांग्रेस अभी से ही जो है वोटों के आधार पर जो है जॉब देने की बात कर रही है लगातार, दो विधानसभा से ऐसी बातें निकल कर आई। क्या मान्यवर में बड़ा दुख होता है कि 50 वोट दो एक नौकरी लो, अरे यार तुम इस तरीके की भावना अभी से पैदा कर रहे थे। जो योग्य बच्चे हैं जो हमने 10 साल मेहनत करके भाजपा ने लाइन पर लाए थे उसी को खुर्द बुर्द करने की नीयत रखते हो, इसलिए जनता सब समझ चुकी है। हमारे यहाँ 50 वोट की बात नहीं होती, हमारे यहाँ ये होती है कि जो योग्य बच्चा है उसे नौकरी मिलेगी और जो वैसे हैं उनके लिए रोजगार के साधन हम अन्य तरीके से अलग कर रहे हैं। हमारे को हमने कहा कि फलाने फलाने नेता भेज दो, उन्होंने कहा नहीं, हम जो विश्व के विश्वख्यात जो नेता हैं और जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जब वो स्वयं आ रहे हैं तो हमारे नेताओं का तो हम धन्यवाद करते ही करते हैं, वो नेता तो हमारे आ ही रहे रेगुलर। बाकी जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो वो सबके नेता हैं और सब नेताओं के जो आशीर्वाद देने के लिए जनता को आ रहे हैं तो उससे बड़ी बात नहीं होती। उन कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे जो सुबह से शाम तक आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और आपके उत्साह और बढ़ा रहे हैं? सर आज जो कुछ भी हूँ उन कार्यकर्ताओं की बदौलत हूँ और आगे भी जो कार्यकर्ता मेरा कहेगा मैं उसके लिए हमेशा चाहे मेरी जान तक भी खेलना पड़े मैं कार्यकर्ता का सम्मान करना जानता हूँ और मेरा कार्यकर्ता कार्यकर्ता नहीं मेरा वो भाई है, मेरा अपना बेटा है, अपना सहयोगी है, मैं उनको कार्यकर्ता नहीं क्या मानता, मेरे वो दिल के टुकड़े हैं और दिल का टुकड़ा कभी बाहर नहीं फेंका जा सकता।
क्या नाम है जी? मेरा नाम अवतार सिंह है। सुबह से शाम तक पंडित दीपचंद शर्मा हर क्षेत्र में जा रहे हैं, दो गांव हैं, लगभग ये जिस गांव में भी जाते हैं उसी गांव में बहुत भारी समर्थन मिल रहा है इनको। 36 बरादरी के का समर्थन है इनको, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो ये निश्चित तौर पर जीतेंगे। इसको बात करें कामों की तो जो पिछले विधायक रहे हैं वो कितना जो है विकास कर पाए और पंडित टेकचंद शर्मा ने अपने समय में कितना विकास किया? पंडित टेकचंद शर्मा जी ने 2500 करोड़ के विकास कार्य कराए, तो उतने काम जितने विधायक जी ने पहले अपने उस कार्यकाल में कराए उतने अभी अब की बार नहीं हुए, अब की बार और भी ज्यादा काम होंगे। हाँ, कितने काम इन्होंने कराए हैं? 2500 करोड़ रुपए के काम कराए। तो उसी के आधार पर जो है इस बार किस किस तरह से रहने वाली है? बीजेपी का सीट निकलेगी, कमल खिलेगा पटना में, अभी बार बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हाँ, मोदी अब मोदी जी आएंगे तो और ज्यादा फर्क पड़ेगा, सभी जनता बड़ा उत्सुक है लोग और उनको रैली माने के लिए बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, देखने के लिए उत्सुक है, उनकी बातें सुनने के लिए उत्सुक है, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं मोदी जी। प्रेम शर्मा जी कौन से गांव से हैं? देवली से हैं। इस बार क्या माहौल दिख रहा है? मोदी जी भी आने वाले हैं, टेकचंद जी की रैली है, टेकचंद शर्मा बहुत वोटों से जीतेगा। सामने कोई दिख रहा है टक्कर में? टक्कर में इतना नहीं है कोई भी, इनके बराबर कोई नहीं है। पिछली बार चुनाव नहीं लड़े और इस बार जो मौका मिला है और सबसे ज्यादा गांव जो है पिथला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, लगता है इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। ये शर्मा जी ऐसे हैं, ऐसे आदमी हैं, समाज को लेके चलते हैं साथ, अकेले नहीं चलते, अपनी मर्जी से खड़े नहीं होते हैं, समाज को खड़ा करता है करते हैं तो जब खड़े होते हैं। उदय भान क्या कहना ये चाहेंगे, टेकचंद शर्मा बहुत अच्छी वोटों से जीत रहा है। अब आगे पूछिए। तो मोदी जी भी आ रहे हैं, कितना उत्साह है मोदी जी आ रहे हैं तो और चार चांद लग जाएंगे और बढ़ जाएंगे। तो ज्यादा ज्यादा लोग पहुंचेंगे उधर? ओह, ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे, उमंग है लोगों में। सबसे वेदपाल शर्मा है जी दुधौला से। दुधौला का क्या मूड है इस बार? दुधौला तो यूनिवर्सिटी को गांव में जी जो हिंदुस्तान में नामी टेकचंद जी ने बनवाई है, अस्पताल है, विकास पुरुष है टेकचंद शर्मा जी, और सब गरीबों की सुनते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तो मोदी जी भी आ रहे हैं? मोदी जी आ रहे जी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ आएगी, ऐतिहासिक है जी। क्या नाम? सुरेंद्र सिंह रावत जी। कौन से गांव से? ये NIT में आता है गांव मनकपुर, लेकिन अब पृथला में जुड़ गया है। तो क्या मूड है? देखो क्षेत्र नहीं, हमने तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, इसमें टोटल एक सीट छोड़ के बाकी टोटल बीजेपी की है, क्योंकि जितना बीजेपी ने काम किया है भारत में इतना आज तक किसी ने नहीं किया। अनाज फ्री दिया टेकचंद जी ने, पृथला क्षेत्र में यूनिवर्सिटी, चौपाल, पीने का पानी, सड़क, कोई काम नहीं छोड़ा, इतने काम पहले कर चुका है, बाकी उम्मीद हम जनता को है आने वाले टाइम में इतने ही और काम निपटाएगा। मेरा नाम कोहिराम शर्मा, देवली गांव। टेकचंद शर्मा बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आपके पीछे भी लड्डू पड़े हैं, इससे ज्यादा लड्डू खाने के लिए तैयार हैं? अरे हाँ, ईश्वर दत्त रामदेव जी, बताओ क्या कहना है? देवली जी, देवली का क्या? बहुत बढ़िया बोर्ड है जी। तो सामने कोई टक्कर में दिखाई दे रहा है? टक्कर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, सबसे आगे ये चल रहे फिलहाल, सबसे आगे चल रहे। हाँ जी, खड़े कितने उम्मीदवार? मेरा नाम राजेंद्र है जी, गांव देवली से हूँ। अब का पूरा समर्थन पंडित जी टेकचंद के साथ है, देवली गांव का पूरा विकास इनके साथ। सुबह से शाम तक प्रचार में साथ चलते हैं, तो आप भी कार्यकर्ता के तौर पे चलते हैं, तो कैसा समर्थन दिख रहा है? इनका ज्यादा ज्यादा समर्थन है, पंडित जी का ज्यादा माहौल है बाकी। हाँ, इनके और कोई अपोजिट का आदमी नहीं है, नहीं 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 कोई नहीं, नैनपाल है नहीं, कोई भी नहीं है, पंडित जी का सबसे ज्यादा काम। देवली से नाम सुदेश,
भाई साहब टेक चंद शर्मा जी की टक्कर पे कोई नहीं आज की डेट में, कोई भी नहीं, नहीं खाओ पियो मारो डंडा के बने को टेक चंद। मेरा नाम है शिवरी शर्मा, नाम है मेरा, गांव अटाली से। जो हमारे ये भारतीय जनता पार्टी है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 तारीख को अपने यहाँ पे टूर पे आ रहे हैं, तो बहुत ही माहौल चेंज होगा। और दूसरी बात, भाजपा का जो कमल है, जो निशान है कमल का फूल, पंडित जी टेक चंद शर्मा ही कमल के फूल को खिलाएंगे, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। शिवरी शर्मा, हेलो, पंडित भीराम कमल खिलेगा जी, पिथला में कमल खिलेगा, कमल पुराने वरिष्ठ नागरिक हैं क्षेत्र के, क्या-क्या समस्याएं हैं, जिसमें उम्मीदें हैं कि भाई अब जो है हमारे पक्ष में वो थे विधायक, उन्होंने तो कुछ किया नहीं 5 साल में। अरे उन्होंने पिछले 5 साल में इतने विकास करे कि हमारे पिथला में और कहीं ना, आज तक किसी भी विधायक ने ना करे। आप हाँ अपने जो रहे थे 19 तक वो, हाँ हाँ